नमस्कार। कॉटस्पिन मशीन मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन डेटा सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हम मशीन मेंटेनेंस एंड इट्स वैल्यूएशन से लेकर के क्लोजिंग स्टॉक तक का डेटा लेते हैं, जहां पे आपको कौन से मशीन पे कौन से एम्प्लॉय ने कौन से दिन पे कितने रुपए का एक्सपेंस किया इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, वो आप यहाँ पे डेटा रजिस्टर में देख पाओगे। इसके लिए आपको डेटा के अंदर प्रोडक्ट मास्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, एम्प्लॉय मास्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, फिर आपको मेन मशीन और प्रोसेसेस होते हैं वो डालने पड़ेंगे, साथ में सब मशीन है क्योंकि ये सब मशीन पे ही वो काम होने वाला है, तो वो भी आपको यहाँ पे डेटा भरना है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, और प्रोसेसेस और मशीन आप अपने हिसाब से इसमें एन नंबर्स डाल सकते हैं। आगे एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी करनी है वो भी यहाँ पे आपको डालना है विथ रेफरेंस टू योर प्रोसेस और मशीन। ये मास्टर डेटा भरने के बाद आप स्टॉक इनवर्ट से लेकर के एम्प्लॉय यूज इन्वेंट्री तक जो डेटा फिलअप करेंगे, उससे ये दो रिपोर्ट जनरेट होगी, मेंटेनेंस डेटा शेड्यूल रजिस्टर, मेंटेनेंस डेटा रजिस्टर, जिसमें आपको डेप्थ रिपोर्ट्स मिलेंगी कि कौन से बंदे ने किस दिन पे कौन से मशीन पे कितने रुपए की इन्वेंट्री यूज की। और इसके साथ में आपको मल्टीपल फिल्टर भी मिलेंगे, तो आप प्रोडक्ट वाइज है, एम्प्लॉई वाइज है, एक्टिविटी वाइज है, कितना आपको खर्च आया वो आप इसमें इजीली देख पाओगे। तो ये एक पार्ट है हमारा। आप लाइव डेमो के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट सेमी ईआरपी है तो सारा बताना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ अभी आपको, तो आप इसके ऊपर से अनुमान लगा करके मेरे को कॉल बैक कर सकते हैं। प्लस ये प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अंदर मॉड्यूल हम प्लस माइनस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, प्रोडक्शन के अंदर कार्डिंग से लेकर के पैकिंग प्रोसेस दिए हुए हैं, और कार्डिंग प्रोसेस अगर आप देखें तो सारा कुछ डेटा ऑटो ड्रिवन होता है, जो आपने मशीनरी डाली होती है उसके ऊपर से, और यहाँ पे आप जो भी डेटा भरेंगे उसके ऊपर से शुड बी केजी और फिर एक्चुअल केजी आप डालेंगे, उसकी एफिशिएंसी वगैरह ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। डे एंड नाइट शिफ्ट दो तरीके का डेटा आपको भरना पड़ेगा आपके प्रोडक्शन के लिए, आप भर सकते हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर से आपको आगे जा करके जब आप सारे ये कार्डिंग से लेकर के पैकिंग प्रोसेसर के सारे डेटा आप भर देंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, डेली अप टू डेट रिपोर्ट, जीपीएस रिपोर्ट, एवरेज यूकेजीएन काउंट, प्रोडक्शन लॉस रिपोर्ट, मशीन प्रोडक्शन रिपोर्ट और एफिशिएंसी रिपोर्ट जैसे रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे, और ये सभी रिपोर्ट भी आगे जाकर के मल्टी लेयर में है, बहुत डेप्थ प्रोग्रामिंग है इसकी और प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। थर्ड पार्ट है पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन इनपुट का डेटा हम यहाँ पे पंच करेंगे और उसका रिपोर्टिंग हम यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए आपको सप्लाई लाइन, सब सप्लाई लाइन और इसका पैरामीटर, ये तीन चार मास्टर हैं, वो आपको उसमें भरने पड़ेंगे और वो डेटा आपको यहाँ पे आगे मिलेगा जैसे कि और प्रोसेस में मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्लाई लाइन है मेन, उसके बाद में सेकेंड सब सप्लाई लाइन है, आपकी सब सप्लाई लाइन आपकी मेन सप्लाई लाइन से जुड़ी हुई रहेंगी। देन थर्ड पार्ट में है सप्लाई पैरामीटर। सप्लाई पैरामीटर में आपको ये सारी चीज़ें डालनी है। ये डालने के बाद में जब आप यहाँ पे पावर कंजम्पशन इनपुट में आएंगे तो सप्लाई लाइन के अनुसार आप अपना डेटा यहाँ पे फिल कर सकते हो। ये भी ऑटो कैलकुलेटेड है, इसमें भी आपको डेप्थ रिपोर्टिंग मिलेगा। फोर्थ पार्ट में हमारे पास एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हम 20 से ज़्यादा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स
एक ही स्क्रीन से प्रिंट निकाल सकते हैं, जहां पे आप ये देख सकते हैं, ये इनवॉइस है। आप इनवॉइस का डेटा यहां से देख सकते हो, ये पूरे एक्सपोर्ट का डेटा है। फिर कंटेनर डिटेल्स में हम जाएंगे तो आपको पैकिंग लिस्ट, एनेक्श्योर, बिल ऑफ एक्सचेंज, टैक्स इनवॉइस, आप कुछ भी यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे रिपोर्टिंग इसकी मिल जाएगी। आगे और भी रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट डिटेल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द कलेक्शन, यहां पे आपको और डेटा अपना फिलअप करना पड़ेगा और वो वहां पे रेफरेंस लेके आपको सारी डिटेल्स बता देगा। बीएल ड्राफ्ट है हमारे पास, ये आप ऐसे देख सकते हैं। फिर प्रिंटेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी आप यहां से निकाल सकते हो सॉफ्टवेयर से। इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल है तो हम आपके सुविधा अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट्स भी हैं, जो इनवॉइस आपने डाला है वो इनवॉइस रिलेटेड सर्टिफिकेट भी आप यहां से पंच कर सकते हो, और उसका डिस्क्रिप्शन मोड है वो डिस्क्रिप्शन मोड आप डाल सकते हैं यहां पे जितने बॉक्स दिए हैं उसके अंदर, जो प्रिंट आउट में आ जाएगा। एड ऑन फीचर में यहां पे यूजर अकाउंट्स एंड उसका राइट्स दिया हुआ है, जहां पे आप अपने जितने भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय को कौन से राइट्स देने हैं, कौन सा मेनू वो देखना चाहिए, कौन सा मेनू किस डिपार्टमेंट के लिए आप दे, वो यहां से आप ब्रीफिंग कर सकते हैं। जितने टिक मार्क करे होंगे उतने ही मॉड्यूल उनको दिखेंगे। सो ये एक एड ऑन फीचर है। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है कॉर्सपिन मशीन मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन डेटा सॉल्यूशन के लिए। बाकी लाइव डेमो के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9824330705 या 7990292194 पे कॉल करके लाइव डेमोस्ट्रेशन शेड्यूल कर सकते हैं। लाइव डेमो के लिए आधे पौने घंटे का टाइम लगेगा, जिसमें सारी कुछ चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।